अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उसामा बिन वसीम आपके बीच कुछ बातें रखना चाहता था। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति बहुत ही बुरी तरह से मतलब हम लोगों पर हावी हो चुकी है। हम लोग घर से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया और निकलना भी नहीं चाहिए इस स्थिति में। हम लोग घर पर रहते रहते बहुत बोर हो चुके हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा ही बोर हो चुका हूँ और आप सब, उम्मीद है आप सब भी बोर हो चुके होंगे। ये घर आपको जेल लगने लगा होगा। ये वही घर है जब हम दिन भर घर बाहर काम से, ऑफिस से और हर जगह से आते थे, तो ये घर हमको जन्नत जैसा लगता था। यहाँ आराम करते थे, आज हम आराम करते करते थक गए हैं। ये घर हम लोगों को जेल की तरह महसूस होने लगा है। तो मैं आप लोगों के बीच एक बात रखना चाहता हूँ कि सोचिए, हम लोगों की कुछ दिनों में ये हालत हो गई है और इंशाल्लाह महीना डेढ़ महीना में ये हालात सामान्य हो जाएंगे और हम लोग फिर से अपनी पुरानी लाइफस्टाइल जिएंगे इंशाल्लाह। बट हम आपको गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि जो बर्ड्स हैं जिनको हम लोग अपने घरों में कैद करके रखते हैं सिर्फ और सिर्फ इस बिना पर कि वो अपने मन की खुशी के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए, और इससे हम लोगों को कोई बेनिफिट्स भी नहीं होता है। मगर जो है इससे होता क्या है कि वो बर्ड्स जिनको आज़ाद है, आज़ादी उनकी, उनका भी हक है, उनको भी ज़रूरत है और उनको भी उड़ने की आज़ादी है और अपना घोंसला वो जहाँ मन करे अपना घर बनाए, उनको पूरी आज़ादी है। मगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने शौक़ के लिए उनको घरों में कैद कर लेते हैं और दो वक्त खाना देते हैं और उनकी सारी खुशियाँ छीन लेते हैं। सोचिए, हम लोगों से कुछ दिन के लिए कह दिया गया है घर पर रहो और हम लोगों को पता है कि इंशाल्लाह ये ज़्यादा तक नहीं रहने वाला लॉकडाउन, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम लोग फिर से अपनी पुरानी लाइफस्टाइल जिएंगे। मगर उनका सोचिए जिनकी 4-5 साल की ज़िंदगी होती है, उनको हम लोग घरों में कैद कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ इस बिना पर कि वो हमको खुशी मिलती है उससे, सबका शौक होता है। सिर्फ अपने शौक के बेसिस पर जो है हम ये करते हैं, ये बहुत ही बुरी बात है और हम लोगों को समझना चाहिए इस बात को कि देख रहे हैं आजकल, मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं इस कोरोना वायरस को लेकर। मैं भी आप सबको एक चैलेंज देना चाहता हूँ, बर्ड्स रिलीज चैलेंज, कि आप सब अपने अपने घरों में जो पंछियों को, बर्ड्स को कैद कर पिंजरों में रखा है, उन सबको प्लीज़ रिलीज़ कर दें। ये बहुत ही ज़्यादा दुखद बातें हैं, इसको हम लोग गहराई से सोचना चाहिए। हालांकि इस पर हम लोग ज़रा भी गौर नहीं करते हैं और शायद आप लोग मेरी बातों को भी सीरियसली नहीं लें, या तो आप मेरी वीडियो ही पूरी ना देखें। मगर प्लीज़ इस बात को ज़रूर देखें और मेरा मैसेज दूसरों तक पहुँचाएँ और इस काम को ज़रूर करें। ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम सब उन पंछियों को, उन बर्ड्स को उनकी आज़ादी का हक दिलाएँ, पूरी पूरी उनको आज़ादी दें कि वो भी जो है आसमानों में उड़े और जहाँ उनका मन करे वहाँ अपना घोंसला बनाए, अपना आशियाना बनाए और अपनी ज़िंदगी गुजारे जैसे कि हम लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारना चाहते हैं। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ और घर पर रहें, अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ और घर पर रहें, सेफ रहें, लॉकडाउन का पालन करें। इंशाल्लाह जल्द से जल्द पूरे भारत में, पूरी दुनिया से कोरोना वायरस ख़त्म होगा और हम सब फिर से खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम। Bye. Take care.